है। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, अब हम सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में देखते हैं। द स्टडी ऑफ द थाउजेंड ईयर्स बिटवीन 700 and 750 इज अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियन लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट दैट अकॉर्ड ओवर द पीरियड। 700 से लेकर के 715 के बीच का जो 1000 ईयर का जो टाइम पीरियड है, उसमें हमें बहुत बड़े पैमाने पे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें कि डेवलपमेंट दैट ऑकर्ड ओवर दिस पीरियड, जिसमें कि वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट इस पीरियड में हुए हैं। दिस वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ये एक बहुत ही बड़ी मोबिलिटी का पीरियड था। मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। वन सच ग्रुप ऑफ पीपल वॉज राजपूताना, और इन्हीं में से एक ग्रुप था जिसका नाम था राजपूताना। अदर ग्रुप ऑफ वॉरियर्स वर मराठा, और दूसरे जो वॉरियर ग्रुप थे उनमें मराठाओं का नाम आता है, सिख, जाट, अहोम और कायस्थास। थाउजेंड द पीरियड थ्रू आउट द पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, और इस पूरे टाइमिंग में जो 1000 ईयर का जो पीरियड हम पढ़ रहे हैं, उस पूरे टाइमिंग में फॉरेस्ट को क्लियर किया गया एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन मीन्स विस्तार हुआ। चैलेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट, लेकिन चूँकि फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया एग्रीकल्चर के लिए, तो उस फॉरेस्ट में रहने वाले जो ड्वेलर का मतलब होता है निवासी, उन्हें अपने हैबिटेट जगह से, यानी उनको अपने निवास स्थान से माइग्रेट होके, यानी कि दूसरी जगह जाना पड़ा। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएट, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज योर सब कास्ट, चूँकि उस वक्त जो सोसाइटी थी वो अलग अलग जातियों में और सब कास्ट में डिवाइडेड थी, and ranked on the basis of their backgrounds and their occupation, और उसके साथ ही साथ उनके background और उनके occupation के according उनको rank मिला था। rank were not fixed permanently, चूँकि जो rank मिले थे वो permanently fix नहीं था, and varied according to the power, और पावर के अकॉर्डिंग, इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग और कंट्रोल, इन सारे चीज़ों के अकॉर्डिंग वो चेंज होती थी। कहने का मीन्स ये है कि जो भी जाति उस वक्त सोसाइटी में पावरफुल होती थी, इन्फ्लुएंस्ड होती थी और अपने रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर पाती थी, उसको टॉप रैंक दिया जाता था।